जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे हावड़ा का ब्रिज जैसा लग रहा है, बढ़िया मुहूर्त देख के करवा देंगे। अरे कुल मुहूर्त है छठा भाई, अमित शाह जी वाला फॉर्मूला मारे। जब मोदी जी के नामांकन ना तो सब पंडित तो करें बहुत बड़ा भद्रा। अमित शाह जी करेंगे इसी दिन शुभ लग्न है। वही तरह से हमें शुभ लग्न सोचे थे। जरा ये रेलवे कोई है यहाँ, जरा यहाँ से रेलवे के सेतु निगम या सेतु निगम के भी हैं। अच्छा अनुज बनाओ इधर लगा लो काम। देखिए ओवैसी वगैरह कुछ नेता इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, ऐसे किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। सख्त कदम उठाए जाएंगे जो लोग भी उत्तर प्रदेश का शांति और सौहार्द खराब करने की कोशिश करेंगे। तथा कोरोना की तीसरी लहर बढ़ रही है, चुनाव आयोग के बहुत से दलों ने निवेदन भी किया है कि कोरोना काल में चुनाव को टाला जाए, आगे बढ़ाया जाए, या तो सुरक्षा पुख्ता किया जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार, देश की सरकार कोरोना के लिए सावधानियों पर, इलाज पर, तैयारियों पर सजग है और लगातार जिम्मेवारी से सारी तैयारी हो रही है। जहां तक चुनाव का विषय है, चुनाव करना कराना तिथि कार्यक्रम ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग का विषय है, वो जैसा तय करेगा वही देश को मानना पड़ेगा और सभी लोग मानेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हम सबके मन में पूरा आदर और सम्मान भी अच्छी है। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सत्ता है और लोकप्रिय सरकार है और 2022 में भी योगी जी की अगुवाई में भाजपा जनता की सेवा के लिए सत्ता में रहे। उत्तराखंड में भी एक बयान आया था, धर्म संसद चल रहा था, वहाँ पर इस तरह का बयान आया कि मुसलमानों का कत्ल करने को भी तैयार होंगे। चुनाव आता है तो इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, किस तरह देखते हैं? ऐसे जो भी बयान समाज के अंदर किसी भी वातावरण को विषाद करते हैं वो बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता। ये सभी बयानों को हम सब खारिज करते हैं। ऐसे बयानों पर कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे? मैंने कहा ना कि सरकार हर जगह सन्नद्ध है, कोई भी सांप्रदायिक विद्वेष के ऊपर उत्तर प्रदेश शासन सक्रिय है, जिम्मेवार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।